ये मेरे पास एक गाड़ी की हेडलाइट का 60 वोल्ट का बल्ब है, इसको चला के चेक करते हैं। हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक 12 वोल्ट बैटरी पैक। ये हमारे पास है एक सेल, लिथियम आयन सेल। इसके जो वोल्टेज हैं वो है 4.2 वोल्टेज और जो इसके mAh है वो है 2000 mAh। मतलब कि ये एक सेल जो है, ये एक बैटरी 2000 mAh की है, मतलब कि 2 एम्पेयर की है एक बैटरी। इसी तरह मैं इस्तेमाल करूंगा इसमें 60 बैटरी, जो कि हमारा बैटरी पैक बनेगा 12 वोल्ट और 40 एम्पेयर्स का। ये हमारा बैटरी पैक होगा 40 एम्पेयर का, क्योंकि इसमें एक सेल है 2 एम्पेयर का। इस लिथियम आयन बैटरी में मैं यूज़ करूंगा एक 40 एम्पेयर 3S 40 एम्पेयर का BMS, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी विदाउट BMS चार्जिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे उसकी लाइफ भी कम होती है और उसके ब्लास्ट आग लगने का भी खतरा होता है। तो हम एक ये BMS इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ मैं इस्तेमाल करूंगा टर्मिनल। ये हमारे आउटपुट टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके अलावा ये मेरे पास स्पेसर है, बैटरी स्पेसर। ये बैटरी पैक इस बॉक्स में मैं बनाऊंगा। बैटरी के कनेक्शन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 20 गेज कॉपर वायर। ये इंसुलेटेड वायर होती है, इसके ऊपर इंसुलेशन होती है, तो हमें सबसे पहले इसकी इंसुलेशन उतारनी होगी। ये मैंने इसकी इंसुलेशन उतार ली है, अब इसकी सोल्डरिंग अच्छी हो जाएगी और ये इसे हम कनेक्शन करते हैं बैटरी के। अच्छा जी, अब हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इस वक्त सारी बैटरीज पैरेलल में है, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में पैरेलल है। अभी हमने दो दो के पेयर बनाने हैं, मतलब अब मैंने कनेक्शन करने हैं इस तरीके से, इस साइड से भी उस साइड से भी, फिर इनको भी आपस में जोड़ना है और इनको भी आपस में जोड़ना है। तो हमारे कनेक्शन इसमें हो चुके हैं, तो मैं आपको इसके कनेक्शन समझाता हूँ। देखें, क्योंकि ये मैं 12 वोल्ट की बैटरी बना रहा हूँ, ये लग रहा है इसमें लगेगा 3S BMS, तो इसका मतलब तीन सेल सीरीज में होनी चाहिए, मतलब कि एक ये, मतलब ये दोनों कंबाइन है, एक ये और एक ये। तो इसके मैंने कनेक्शन सीरीज में करनी है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, मतलब कि कनेक्शन ये हमारा पॉजिटिव है और फिर ये नीचे से आपस में दोनों कनेक्ट हैं, फिर ये आया यहाँ पर और ये आपस में कनेक्ट हैं, और ये हमारा आउटपुट है नेगेटिव। ये नेगेटिव आउटपुट, ये पॉजिटिव आउटपुट, और ये ऐसे और इस ये इस तरीके से। मैं आपको उल्टा कर, ये देखें, ये आपस में जुड़े हुए। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये हमारी नेगेटिव साइड है और ये हमारी पॉजिटिव साइड है। तो इसके वोल्टेज मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये नेगेटिव पे नेगेटिव लगाया और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाया, ये देखें 12.1 वोल्टेज। अब हम इसमें लगाएंगे BMS, तो मैंने इसके पीछे डबल साइड टेप लगा लिया और अब हमने इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो इसके कनेक्शन हम करेंगे, देखें, जो हमारा माइनस होता है वो 0 वोल्ट होता है। ये हमारी माइनस साइड है, यहाँ से एक वायर लगेगी यहाँ पे, फिर एक सेल के वोल्टेज होते हैं 4.2 वोल्टेज, यहाँ से एक वायर लगेगी यहाँ पे। फिर जब सीरीज़ होके दो सेल सीरीज़ में होते हैं तो हमारे बनते हैं 8.4 वोल्टेज, तो यहाँ से एक वायर लगेगी यहाँ पे, और एंड पे जो हमारी तीन सेल सीरीज़ में होते हैं तो हमारे बनते हैं 12.6 वोल्ट, उसकी जंपर लगेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद जो हमारा आउटपुट होगा 12 वोल्ट का, वो यहाँ से होगा मेन आउटपुट लोड के लिए। तो हमारी बैटरी इस वक्त कम्प्लीट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें BMS के कनेक्शन कर लिए हैं। सबसे पहले हमारा आया 0 वोल्ट,
जो कि हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारा 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट में लगा। उसके बाद एक सेल के वोल्टेज होते हैं 4.2 वोल्टेज, तो यहाँ से हमारी एक वायर लगी 4.2 वोल्टेज में। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये हम जब दो सेल सीरीज़ में होंगे तो ये हमारे वोल्टेज बनेंगे 8.4 वोल्टेज। ये 8.4 वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगी ये वाली वायर, और एंड पे जो हमारे तीन सेल जो सीरीज़ में होंगे तो उसके वोल्टेज होंगे 12.6। तो भी हम इसके कनेक्शन इस तरीके से होने हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे बॉक्स। ये जो BMS मैंने यूज़ किया है, BMS क्या होता है, इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्शन होती है, इसकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब हम इसके बॉक्स की तरफ जाते हैं। बॉक्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी के लिए मैं ये बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, और इसका मैं ये कैप यूज़ करूँगा। इस कैप में मैं क्या क्या लगाऊँगा, इसका जो ढक्कन है इसमें मैं लगाऊंगा एक वोल्ट मीटर इस जगह पे, जो कि हमारी बैटरी के वोल्टेज बताएगा कब, जब जब हम ये पुश बटन दबाएंगे, मतलब कि जब हम पुश बटन दबाएंगे तो हमें इस बैटरी के वोल्टेज नज़र आएंगे, और जब हम ये छोड़ेंगे तो ये मीटर बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये दो टर्मिनल लगाऊंगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो कि हमारे आउटपुट टर्मिनल हैं इस बैटरी के। और मैं एक फ्यूज़ यूज़ करूँगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ 15 एम्पीयर का फ्यूज़, क्योंकि मेरा जो लोड है वो 10 एम्पीयर के अंदर अंदर है, तो इसलिए मैं 15 एम्पीयर का यूज़ करूँगा। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एम्पीयर का फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर करूँगा स्टिकरिंग, और इसके ऊपर मैं ब्लैक स्टिकर करूँगा, जिस तरीके से ये मैंने किया है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको इस बैटरी की वायरिंग डायग्राम भी बना के दिखा दूँगा। अच्छा, ये हमारे जो बॉक्स का ढक्कन है, बैटरी बॉक्स का, वो तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं ये दो टर्मिनल हैं जिससे हमारी पावर आउटपुट आएगी बैटरी की, 12 वोल्ट आउटपुट। ये बटन जब हम दबाएंगे तो हमारे यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज शो होंगे, और ये एक फ्यूज़ है। हमारा जो है इसका जो है बॉक्स, ये तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक फ्यूज़, एक डिस्प्ले जो कि पुश बटन से चलेगा, और ये दो आउटपुट टर्मिनल हैं। अब इसकी मैं वायरिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारी जो है ये दो वायर, ये हमारे BMS के साथ लगेंगी आउटपुट पे। इस जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले जो पॉजिटिव है हमारी वो फ्यूज़ में आएगी, फ्यूज़ से आके आउटपुट चली गई। इसी तरीके से जो हमारी नेगेटिव है वो डायरेक्ट आउटपुट है, और पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने इस मीटर को एक पुश बटन के थ्रू दिया हुआ है, जिसे हम पुश बटन दबाएंगे तो ये हमारे मीटर पे डिस्प्ले करेगा हमारा कि इस वक्त हमारी बैटरी कितने वोल्टेज पे है। अच्छा जी, ये हमारी बैटरी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये कनेक्शन वायर्स के, ये हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पहले फ्यूज़ में आएगी, फिर उसके बाद BMS में जाएगी। और ये मीटर, ये मैंने मीटर चेंज कर लिया, मीटर पहले दूसरा लगा था, वो मसला कर रहा था मीटर, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। ये देखें 12.4 वोल्टेज। और इस तरीके से मैंने बैटरी को पैक करने के लिए इसमें शीट्स लगाई हैं, पैकिंग लगाई है इसके अंदर, ताकि ये बैटरी बॉक्स बंद करने के बाद हिले ना, जैसे ये हमारी वायर्स ना टूटे। तो इसको इस तरीके से बंद करते हैं और फिर इसके ऊपर लोड चलाकर चेक करते हैं। यहाँ पे इसके स्क्रू लग जाएंगे, तो अभी हम इसके ऊपर लोड चलाते हैं। ये मेरे पास एक गाड़ी की हेडलाइट का 60 वोल्ट का बल्ब है, इसको चला के चेक करते हैं। और इसके अगर एम्पेयर देखें तो तकरीबन 5 एम्पेयर ले रहा है इस वक्त ये, और बड़ा इजीली ग्लो हो रहा है।